देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड होने के बाद मलबे में दबने से 36 लोगों की जान चली गई। ये बड़ा हादसा यहां हुआ। पहाड़ी इलाकों में अलग अलग तीन जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ दरकने से जो मलबा गिरा उसमें कई लोग फंस गए हैं। अभी तक 36 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अब भी 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। जो 36 शव बरामद किए गए हैं उनमें से 32 एक जगह और 4 दूसरी जगह मिले हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक कुल 15 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो महाराष्ट्र में लगातार बारिश की वजह से बड़े हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ दरकने से यहां बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल 36 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। कईयों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन कईयों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, राहत बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बतौर विशिष्ट अतिथि कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति से पहले दीक्षांत समारोह में यह आग्रह किया कि सीएम दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर और रोजगार मुख बनाने के लिए जल्द ही सभी कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य के 500 छात्रावासों को सुसज्जित करने की योजना है। गरीब छात्र विदेश में पढ़ाई कर सके, इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। राज्य में अमीन के हजारों पद रिक्त हैं क्योंकि प्रशिक्षित युवाओं की कमी है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय अपने कॉलेजेस में छात्रों को अमीन का प्रशिक्षण देंगे और ऐसे छात्र राजस्व विभाग में नौकरी भी हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज हेमंत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने के साथ साथ विदेशों में पढ़ाई को लेकर भी यहाँ पर एक बैठक करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि आज हेमंत सोरेन ने विश्वविद्यालय को संबोधित किया था ऑनलाइन वर्चुअली, जिसे हम कह सकते हैं, और यहां पर छात्र छात्राओं से भी बात की है। वहीं कॉलेज के कुलपति से भी बातचीत की है, जिसमें रेखांकित किया गया है कि जो बच्चे गरीब हैं और जो विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, रुचि रखते हैं और जिनका काफी ज्यादा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहा है, तो ऐसे बच्चों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिल सके, जिसको लेकर स्कॉलरशिप भी जल्द ही जारी की जाएगी। झारखंड में रांची समेत कई जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इससे भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड के कई जिलों, खासकर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, पलामू, चतरा, कोटमा, लातेहार आदि इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात के साथ धीमी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि गुरुवार को रांची के अलावा पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, लातेहारा, पलामू आदि इलाकों में बारिश हुई थी। रांची का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में झारखंड में मॉनसून सामान्य रहा। सबसे ज्यादा बारिश कोडरमा में हुई है। तो झारखंड में आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, साथ ही साथ बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि तमाम राज्यों में, अगर महाराष्ट्र बिहार की हम बात करें, तो यहाँ पर बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, आम जनता की जान भी जा रही है। ऐसे में झारखंड पहले से ही पूरी तैयारी कर चुका है। दुनिया की जानी मानी टाइम मैगजीन ने बुधवार को साल 2021 में टूरिज्म के लिहाज से दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा जगहों की सूची जारी की है। इसमें पूरे देश से महज 2 ही शहरों को लिस्ट किया गया है। इसमें जयपुर और उत्तरी गोवा को शामिल किया गया। कोरोना काल में ठप पड़े टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए गए इनोवेशन के तहत नाइट स्काई टूरिज्म की शुरुआत की वजह से जयपुर को चुना गया है। यहाँ टूरिस्ट को टेलीस्कोप के जरिए मंगल ग्रह और चंद्रमा के दर्शन भी कराए गए हैं। जयपुर में जंतर मंतर में 19 खगोलीय उपकरणों के कलेक्शन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करती है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है, उसे राजा सवाई मानसिंह ने बनवाया था। ये सभी देशी विदेशी टूरिस्टों की पहली पसंद में शुमार है। तो दुनिया के टॉप 100 शहर में जयपुर को जगह मिली है, इसके साथ ही उत्तरी गोवा को भी जगह मिली है। भारत में से सिर्फ इन्हीं 2 शहरों को चुना गया है।
तो नाइट स्काई टूरिज्म का टैग जयपुर को मिला है। राजस्थान में टैक्स चोरी की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। जी हां, इसके लिए राज्य राजस्व सूचना निदेशालय यानी कि SDRI में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना को राजस्व अर्जन से जुड़े दूसरे विभागों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व अर्जन से जुड़े राज्य सरकार के सभी विभागों में इस योजना को लागू करने की मांग की है और मंजूरी भी दे दी है। योजना के तहत आम लोगों के साथ ही सरकारी कार्मिक या अधिकारी भी मुखबिर के रूप में प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021 से 2022 में इस संबंध में घोषणा की थी। योजना के तहत टैक्स चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दी जा सकेगी। मुखबिर को दी जाने वाली अंतरिम प्रोत्साहन राशि की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपए नगद तक होगी, जबकि आखिरी प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम 25,00,000 रुपए तक हो सकती है। तो टैक्स चोरी की सूचना पर प्रोत्साहन राशि सरकार देने जा रही है, जिसकी सीमा 1,00,000 से 25,00,000 तक की हो सकती है। यानी कि अगर कहीं टैक्स चोरी हो रहा है और आप इसकी जानकारी सरकार को देते हैं, अधिकारियों को देते हैं, तो आप प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार हो सकते हैं, जिसमें 1,00,000 से लेकर 25,00,000 तक की नगद राशि बनाई गई है। तो गहलोत सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। बीजेपी के किरोड़ी लाल मीना शुक्रवार को भारत में सम्मान नागरिक संहिता विधेयक 2020 को राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश करेंगे। विधेयक सम्मान नागरिक संहिता की तैयारी और भारत के पूरे क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति के गठन और उससे जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। वही राज्यसभा में विपक्ष ने पेगासस और किसान संबंधी मुद्दों पर अपने तेवर और तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को सदन में तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने IT मंत्री से कागजात छीन कर उन्हें फाड़ दिया था, जो कि तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। वहीं सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में सरकार सेन के निलंबन के लिए नोटिस मांग सकती है। आपको बता दें कि सदन में लगातार जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से ही हंगामा लगातार बना हुआ है। पेगासस और किसानों के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा था कि तृणमूल सांसद ने IT मंत्री से कुछ पेपर छीन लिए थे और फिर उन्हें फाड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे में सेन के निलंबन के लिए नोटिस भी सरकार जल्द ही मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू AGR कैलकुलेशन में कथित गलतियों को ठीक करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि सभी आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। सोमवार को शीर्ष अदालत ने पहले ही कहा कि वो वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड की ओर से दायर आवेदनों पर अपना आदेश पारित करेगी। आपको बता दें कि कंपनियों ने उनकी तरफ से दिए AGR बकाए की गणना में अंक गणितीय गलती का आरोप लगाया है। शीर्ष अदालत ने मामले में पहले के एक आदेश का हवाला देते हुए आदेश को स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि AGR से संबंधित बकाया कोई पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि अंक गणितीय गलती को ठीक किया जा सकता है। तो टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका थी उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो टेलीकॉम कंपनी, चाहे वो वोडाफोन हो चाहे वो एयरटेल हो, इन सभी को बड़ा झटका दिया है। पंजाब के मोगा जिले में शुक्रवार को बस हादसे में 3 कांग्रेसियों की मौत हो गई। इसके अलावा करीब 20 लोग दुर्घटना में घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हादसा 2 बसों की टक्कर के चलते हुआ। इनमें से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थी जबकि दूसरी प्राइवेट मिनी बस थी। मोगा जिले के SSP हरमनबीर सिंह गिल ने कहा है कि घायल लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस हादसे का शिकार हुई मिनी बस में कांग्रेस के नेता भी सवार थे, जो पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू के ताजपोशी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस हादसे को लेकर सूबे के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुख भी व्यक्त किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा, मोगा जिले में बस हादसे में 3 कांग्रेसियों की मौत की खबर मिली है और बहुत से लोग घायल हुए हैं। इस घटना से दुख पहुंचा है। मैंने मोगा के DC को आदेश दिया है कि वो दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज में मदद करें और पूरे मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे।
कांग्रेस, शिवसेना और द्रमुक ने शुक्रवार को कथित पेगासस परियोजना को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, शिवसेना और द्रमुक के कई सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना भी दिया और सरकार के खिलाफ नारे भी किए। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, शिवसेना राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सहित तमाम लोग शामिल थे। कथित जासूसी मुद्दे ने मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ की है। एक वैश्विक सहयोगी जांच परियोजना से पता चला है कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप्स के पेगासस स्पाईवेयर ने नरेंद्र मोदी सरकार में 2 मंत्रियों, 3 विपक्षी नेताओं सहित भारत में 300 से ज्यादा मोबाइल फोन नंबरों को अपना निशाना बनाया है। कांग्रेस ने सोमवार को सरकार पर देशद्रोह का भी आरोप लगाया और अमित शाह को पत्रकारों, न्यायाधीशों और राजनेताओं के फोन की जासूसी और हैकिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया और जांच की मांग की है। और पिछले 3 से 4 दिनों से यही हो रहा है। संसद का सत्र शुरू होता है लेकिन हंगामा ज्यादा रहता है, जिसके बाद कई बार संसद की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल के जो नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, वो बाहर आ गए गांधी जी की प्रतिमा के पास, नारेबाजी करने लगे, सरकार के खिलाफ हंगामा करने लगे और साथ ही साथ ये मांग करने लगे कि जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करें, उनका निलंबन करें। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बीते 2 दिनों से लाशों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में बीते 2 दिनों में 2 हत्याएं हो चुकी हैं और वहीं आज सुबह पांडेपुर बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास सड़क किनारे नाले में एक शव पड़ा मिला, जिसको देखकर आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। शव लगभग 45 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति का है। पुलिस ने शव बाहर निकालने के बाद शिनाख्त कराने की कोशिश की लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो पूरा मामला उत्तर प्रदेश का, जहां पर शवों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क किनारे आज फिर एक शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव के शिनाख्त कराने की कोशिश की गई लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो फिलहाल इस पूरी गुत्थे को सुलझाने की कोशिश लगातार यूपी पुलिस करती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार को कहा है कि वो राज्य का दौरा जारी रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनावों में कर्नाटक को बरकरार रखे। इसके साथ ही 2024 के आम चुनावों में भी 25 सीटें जीते। उन्होंने कहा वो आने वाले 10 से 15 साल पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। सीएम येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा है कि पार्टी आलाकमान की ओर से अभी तक इस बारे में कोई संदेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी 25 जुलाई को उनके निर्देशों का इंतजार कर रहा हूं, उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी आलाकमान के जो भी फैसले होंगे वो उसका पालन जरूर करेंगे। सीएम येदियुरप्पा इस्तीफा दे सकते हैं सीएम पद से, इसको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म है लेकिन अभी कुछ भी क्लियर हो नहीं पाया है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी आलाकमान जो है वो अब नए चेहरे की तलाश में पहले से ही है। तो वहीं येदियुरप्पा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं अब भी उनके निर्देशों का इंतजार कर रहा हूं, 25 जुलाई को साफ हो जाएगा कि आगे क्या फैसला लिया गया है पार्टी आलाकमान की तरफ से। अलीगढ़ के कुआरसी इलाके में नगर निगम में जल निगम की लापरवाही के चलते लोगों के घरों में जो पानी आ रहा है वो पूरी तरह से लाल रंग का है, जिस पानी को पीने से एक 6 साल के बच्चे फैज की मौत हो चुकी है। तो वहीं 100 के करीब बच्चे इस दूषित जल को पीने के बाद बीमार हो चुके हैं। जिन बीमार बच्चों का इलाज अलीगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है, दूषित पानी पीने से 6 साल के बच्चे की मौत के बाद इलाके के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग आकर्षित यहां पर आक्रोशित हैं और लगातार ये कहा जा सकता है कि पुलिस उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल एक बच्चे की मौत हुई है लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। स्थानीय नगर निगम में जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नगर निगम की लापरवाही को लेकर काफी रोष दिखाया है।
आक्रोशित यहां पर ग्रामीण नजर आ रहे हैं। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दूषित पानी पीने से एक 6 साल के मासूम की जान चली गई। कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो पानी है वो लाल रंग का आ रहा है, जो कि पूरी तरह से दूषित है, वो पीने लायक नहीं है। पहली बार जो है वो एरिया के पार्षद है, ये शायद मलिक है, ये आशुमारी है। इन लोगों ने कई बार जो है वो नगर आयुक्त से कह दिया, मेयर साहब से कह दिया कि साहब एक पाइप लाइन को ठीक करा दीजिए। आज तक वो पाइप लाइन ठीक नहीं हो पाई है और हालत ही हो गए हैं कि सड़कों पे लोग आगे बैठे हुए हैं, सबके मोबाइल बंद है। समझ में सारे लोगों के मोबाइल बंद है, सुबह से फोन करे जा रहे हैं, जब वो सुन नहीं रहा है तो सुन ही रही सरकार को सुनाने के लिए सड़क पे आना पड़ा। बुलंदशहर में मामूली विवाद में दो युवकों की तरफ से लोगों पर हथियार तानने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक मंजिल पर खड़े होकर नीचे खड़े लोगों पर हथियार तानते हुए युवक दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि युवक प्रधान का बेटा है। ये तस्वीर बुलंदशहर की है, आप देख सकते हैं एक युवक ऊपर खड़ा हुआ है और जो नीचे लोग खड़े हैं उन पर हथियार तानते हुए नजर आ रहा है। किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे वीडियो पर अभी तक कोई संज्ञान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इससे अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि दबंगों के हौसले उत्तर प्रदेश में अब भी कितने ज्यादा बुलंद हैं कि खुलेआम इस तरह से युवक हथियार दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, छत के ऊपर खड़े होकर युवक बंदूक ताने दिखाई दे रहा है। नीचे जो लोग खड़े हैं वो डरे हैं, सहमे हैं। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद हुआ था, विवाद के बाद इस युवक ने हथियार दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर संज्ञान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। बुलंदशहर की तस्वीरें दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहां पर दबंगों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं ये साफ नजर आते हैं। यूपी पुलिस अपनी पीठ जरूर थपथपाती है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये साफ होता है कि अब भी उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ा हुआ है। हरदोई में गर्भवती महिलाओं में कहीं टीबी तो नहीं लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है और लगातार स्क्रीनिंग हो रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की पहल के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं क्षयरोगी अधिकारी डॉक्टर अमरजीत अजमानी ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से हर महीने अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी जन जागरूकता अभियान की पहल के तहत ये कार्यक्रम भी किया जा रहा है। तो गर्भवती महिलाओं की यहाँ पर जाँच की जा रही है, कहीं उन्हें टीबी के लक्षण तो नहीं है। इस जांच को लेकर यह अभियान की शुरुआत हुई। अस्पताल में 57 महिलाओं की अब तक जांच हो चुकी है। हरदोई का ये पूरा मामला है जहां पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर और आने वाले बच्चे को लेकर पूरी तरह से सिक्योर और जागरूक नजर आए, क्योंकि लगातार टीबी जैसे जो बीमारी है वो फैलती हुई नजर आ रही है। हरदोई में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। हर महीने कोई ना कोई एजेंडा रखा जाता है भारत सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस महीने में हम लोग गर्भवती महिलाओं के अंदर कोई भी टीबी से संबंधित यदि कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है। और इसी के क्रम में हमारे यहाँ से एक टीम आ गई थी जिला महिला चिकित्सालय में, वहाँ पर उन्होंने जितनी गर्भवती महिलाएँ थी उनके साथ काउंसलिंग की। यदि उन्हें किसी तरह का कोई भी सस्पेक्ट मिलता है, कोई भी जानकारी मिलती है कि इसमें टीबी के लक्षण हो सकते हैं, उसकी पूरी काउंसलिंग करके उसका परीक्षण कराया जाता है और उनको यहाँ पर टीबी 6 केंद्र पर भेजकर उसकी जांच कराई जाती है। वहीं जालौन में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। जिले में 1 घंटे की बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब बनाकर रख दिया, जिस कारण लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जालौन में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मानसून के आने से पहले नगर पालिकाओं को शासन की तरफ से आदेश दे दिया जाता है कि वो शहर की नाली और नालों की सफाई करा दे, जिससे बारिश के पानी की निकासी हो सके। लेकिन सफाई ना होने से इस बारिश से सड़कें तालाब बन जाती है, कहां नाले हैं और कहां सड़कें ये बता पाना मुश्किल हो जाता है। तो जिस कारण नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल भी खुलती हुई नजर आती है। जालौन की तस्वीरें जहां पहले ही बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आई हैं। आने जाने में आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
जालौन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाहन पूरी तरह से डूब चुके हैं, कहां सड़कें हैं, कहां नालियां हैं और कहां नाले हैं बता पाना मुश्किल नजर आता है। शाहजहांपुर में पुलिस ने आज एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि मजदूर बनकर ग्रामीण इलाकों में लोगों से ठगी किया करते थे। ये ठग लोगों से कहते थे कि वो मजदूरी किया करते हैं और कहीं पर मजदूरी में खुदाई के दौरान उनको कीमती धातु मिली है। ग्रामीण इलाकों के सीधे साधे लोग इन ठगों की बातों में आ जाते थे और उनसे इस धातु को खरीदने के लिए तैयार भी हो जाते थे, जिसका फायदा उठाकर ये ठग उनसे रुपया ऐंठ लिया करते थे और वहां से 9-2-11 हो जाया करते थे। ऐसी एक ठगी का मामला शाहजहांपुर के कलान क्षेत्र के सामने आया, जहां पर इन ठगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। शाहजहांपुर पुलिस ने इन ठगों को रोडवेज बस स्टैंड से ठगी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। सभी ठग नोएडा और गुजरात के रहने वाले हैं। वहीं गिरोह की महिला सरगना और एक अन्य सदस्य मौका पाकर फरार हो गए, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला शाहजहांपुर का है, जहां पर मजदूर बनकर लोग ठगी किया करते थे। पूरा गिरोह जो था वो नोएडा और गुजरात के सदस्यों को बताया जा रहा है, जो कि भोले भाले लोगों को फंसाते थे। खुदाई के दौरान मिली धातु के सहारे वो लोगों का पागल बनाया करते थे। वो कहते थे कि ये धातु उन्हें खुदाई के दौरान मिली है, जिससे वो लोगों से असली सोने और चांदी के जेवरात ले लिया करते थे। तो इस तरह से ये ठगी का पूरा मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से नकदी और कई तरह की चीजें भी बरामद हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं और इस पूरे गिरोह में एक महिला भी शामिल थी। वहीं ये सारे जो आरोपी हैं वो नोएडा और गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि अलग अलग इलाकों में मजदूर बनकर जाया करते थे, मजदूरी के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। आज SOG तथा सदर बाजार पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ा गया है, जो कि ठगी करता था। छोटे छोटे कस्बों में जाकर के व्यापारियों से नकली सिक्के दिखा करके उनसे पैसे की उगाही करता था। पिछले महीने कलान क्षेत्र में इनके द्वारा एक ठगी की गई, जिसके लिए मुकदमा लिखा गया और पिछले एक माह से हमारी SOG सर्विलांस टीम लगातार इन पर निगरानी रखी हुई थी। आज इनके द्वारा दोपहर में बस स्टॉप पे एक व्यापारी के साथ करने की कोशिश की गई, ठगी करने की कोशिश की गई। उसी दौरान इनकी सूचना प्राप्त होते ही संयुक्त रूप से सदर बाजार पुलिस तथा SOG द्वारा इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। इनके पास से 5 किलो तक के सिक्के मिले हैं और 2.5 किलो का हार मिला, 16 मोबाइल भी मिले हुए हैं। तो इस चूँकि ये टीम लगातार इसके जो सदस्य हैं, 5 सदस्य जो पुरुष हैं और एक महिला थी, वो सब गुजरात और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनके 2 लोग फरार हैं, जो कि इसमें सरगना रामी बहन जो गुजरात की हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। उनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में सुजातगंज निवासी का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलने से परिवार में गम का माहौल छा गया है। बताया जा रहा है कि युवा गाजियाबाद जाने के लिए घर से निकला था। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। कासगंज का यह पूरा मामला, जहां पर पेड़ से लटका हुआ एक युवा का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। मथुरा के मोगरा थाना क्षेत्र में 3 महीने पहले हुई पूर्व सैनिक के घर चोरी की घटना का खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर सकी है। पुलिस की तरफ से पीड़ित पक्ष को जांच के नाम पर लगातार गुमराह किया जा रहा है। पीड़ित थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुका है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को उससे कोई मतलब नहीं है, जिससे पीड़ित परिवार को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो मथुरा का एक पूरा मामला है, जहां पर चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पीड़ित लगातार थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुका है। तो मथुरा का एक पूरा मामला, जहां पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समस्या का समाधान निकल नहीं सका है। मेरे घर पे 8 अप्रैल 2021 में चोरी हुई थी रात में, तो उसकी मैंने रिपोर्ट 9 अप्रैल को सुबह करवाई थाना मगोरना में।
तब से लेकर के और आज तक मैं चक्कर ही काट रहा हूँ, मेरी चोरी का खुलासा नहीं हो पा रहा है। पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, इतने दिन हो गए, 3.5 महीने हो गए आज मुझे चक्कर काटते काटते, थाने के चक्कर काटते काटते, SP साहब के चक्कर काटते, CO साहब के चक्कर काटते काटते, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस चोरी का क्यों नहीं खुलासा हो रहा है? क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, एक सर्विस मैन हूँ, दो बच्चे मेरे आर्मी में हैं, तो वहाँ से भी आर्मी से भी लेटर दिला रहा हूँ, यहाँ से भी लेटर दिला रहा हूँ, सब जगह से मतलब जो ना मैंने जनसुनवाई पे भी रिपोर्ट की है, वहाँ से भी मतलब वाक्या भेज रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी साहब से मैं 2 बार मिलके आया, यहाँ से गांव से लोग लेके गया, उन्होंने बोला ठीक है, CO साहब से भी मिलके आया, दो तीन बार गया हूँ CO साहब से, सबसे मिल रहा हूँ, सबसे जा रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, लेकिन इस चोरी को क्यों नहीं खोल रहे हैं, इस क्या? और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।